आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने सहयोगियों के साथ हाजिर हूं मैं श्वेता मिश्रा। 2019 का जनमत आज सबके सामने है। किस तरह से एक बड़ा मैंडेट पूरे देश ने जनता ने दिया है बीजेपी को, एनडीए को, वो तस्वीर यहां पर सामने है और इन परिणामों को लेकर ही आज समीक्षा करेंगे। हमारे साथ चैनल एट जगदीश चंद्र मौजूद है। सर आप ही का शो है, बहुत स्वागत है आपके ही शो में आपका। लेकिन अगर हम सर परिणामों की बात करें, उससे पहले एग्जिट पोल के पहले ही आपने यही तस्वीर बयां कर दी थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर 2019 का ये जो परिणाम आया है वो क्या मैसेज दे रहा है? हाउ दिस इलेक्शन वाज डिफरेंट। 2019 के चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इस कंट्री के पॉलिटिकल वर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं नरेंद्र मोदी। उनको चुनौती देना, उन्हें हराना कठिन है, लगभग असंभव है आज के हालात में, क्योंकि मोदी एंड अमित शाह इज़ ए टेरिफिक कम्बिनेशन ऑफ पॉपुलरिटी, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। दूसरा मैसेज इसका यह है कि यह चुनाव नहीं था, एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं था, इट वॉज ए रेफरेंडम ऑन नरेंद्र मोदी, उनके फेवर में, उनके अगेंस्ट में। और जो रेफरेंडम है, मतगणनाएँ बताती है, परिणाम ये बताती है कि उनके फेवर में हुआ है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर, दूसरे इश्यूज़ पे, कैंडिडेट की पॉपुलरिटी पे, उन पे किसी पे नहीं लड़ा गया। यह केवल राष्ट्रवाद और धार्मिक भावनाओं के सेंटिमेंट के आधार पे लड़ा गया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। एक और बड़ा मैसेज इस चुनाव का ये है कि आमतौर पे एमपी चुनते हैं प्रधानमंत्री को संसदीय दल की बैठक में। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि प्रधानमंत्री ने एमपी को चुना। इन ए वे कि एमपीस का जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन था उसका विलोप हो गया इस चुनाव में। चाहे वो मंत्री थे, चाहे वो एमपी थे, जो कोई जीता नरेंद्र मोदी के नाम से जीता। और मोदी ने खुद ने कहा कमल का बटन दबाइए, वोट सीधा मेरे पास आएगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही, अमेठी में जो राहुल गांधी की हार है, स्मृति ईरानी की जीत है, वो एक मामूली घटना नहीं है। वो उस पूरी बेल्ट में कांग्रेस की जो गढ़ है उसके पतन की, उसकी समाप्ति की एक शुरुआत है, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही सीरियस विषय है। कुल मिला के राहुल गांधी की हार एक बहुत बड़ी घटना है। तो सर यहाँ पर एक सवाल और है, 2014 के रिकॉर्ड को अगर बीजेपी और एनडीए क्रॉस करती है तो क्या माना जाए कि इस बार 2014 से बड़ी मोदी लहर थी? और क्या ये वजह है कि लोग बहुत स्वीकार कर लेते हैं प्रधानमंत्री को? ऐसा क्या है प्रधानमंत्री की हर बात पर जो आम नागरिक उसको मान लेता है? दो प्रश्न है, एक तो कि क्या लहर 2014 से बड़ी थी, तो निश्चित तौर पे बड़ी थी, परिणाम बताता है। 282 और 304 की बात चल रही है। वो जो 2014 में थी वो एंटी यूपीए लहर थी, मोदी लहर नहीं थी, मैं इसको यूँ कहता हूँ। इस बार जो है मोदी के सेंटिमेंट की लहर थी, लोग घरों से निकले कि वोट से रह नहीं जाए, मोदी को जिताना है, मोदी प्रधानमंत्री बनने से रह नहीं जाए, तो लहर उसकी बड़ी थी। मैं उड़ीसा गया, हैदराबाद गया, पंजाब गया, हर जगह मैंने महसूस किया, राजस्थान गया, जोधपुर गया, हर जगह महसूस किया कि हर आदमी मोदी को वोट देना चाहता है, वो मन बना चुका था। तो मैंने पिछले विश्लेषण में कहा था कि लहर उससे बड़ी है और वही साबित हुआ। दूसरा प्रश्न आपका था इससे जुड़ा हुआ, वो क्या था? ये था कि स्वीकार्यता आखिर मोदी कितनी। हाँ, ये तो एक चमत्कार है मोदी इस देश में। वो जो कहते हैं जनता उनको सच मानती है, विपक्षी कहते हैं मोदी झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए झूठ भी बोला उन्होंने कोई, जनता ने सच माना उसको, जनता मोदी के खिलाफ सुनने में कुछ तैयार नहीं है। जनता इसे कहते हैं कि दीवानी है उनकी, वो जो कहते हैं जनता शाश्वत सत्य मानती है उनको। चौकीदार की बात थी, उन्होंने नारा दिया कि मैं चौकीदार। सारी बीजेपी, सारा देश पागल हुआ, सब ने, अच्छे अच्छे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, मुख्यमंत्रियों ने, नेताओं ने, एमपीज ने, मिनिस्टर्स ने अपने माथे पर लिखा कि मैं चौकीदार हूँ। अद्भुत चमत्कार। तो मोदी में क्षमता है इसकी कि वो वशीभूत करते हैं व्यक्ति को, आप ये मानिए। और ये जो चुनाव है उनकी वशीभूत की कला कि सक्सेस का एक बड़ा प्रमाण है। तो सही है, उनको गॉड गिफ्ट है, उनकी वाणी पे सरस्वती बैठती है। वो कहते हैं राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी की आलोचना मेरा गहना है, मेरा श्रृंगार है। आज उन्होंने कहा कि फकीर की झोली को आपने वोटों से भर दिया, अद्भुत, उसकी वाणी में सरस्वती है, कला है उनकी। सर आपने कहा कि भारी मैंडेट यहाँ पर मिला, यकीनन मिला, तो क्या इसके बाद आपको लग रहा है कि बीजेपी की या मोदी की कार्यप्रणाली में कोई आपको एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है? और एक और नारा क्या अब देश में लग सकता है, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी? वैसे तो क्या है कि हर व्यक्ति की, हर नेता की कार्यप्रणाली उसके आते हैं, उसके जन्म मृत्यु के साथ ही जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आज एक अच्छा संकेत नरेंद्र मोदी ने दिया है कि हुआ सो हुआ, भुलाइए, अब एक नई शुरुआत करेंगे।
तो बहुत बड़ी घटना है आज का उनका यह बयान। और अगर वो इस बयान को सच्चे मन से कह रहे हैं तो देश की राजनीति की दिशा बदलेगी। जो वेंडेटा की बात हम करते हैं, या उन्होंने कहा था कि जेल के दरवाजे तक मैं लोगों को ले आया हूँ, अब खाली जेल भेजना है। आज का यह बयान ये सिद्ध करेगा कि अगर यह बयान पूरी ईमानदारी से दिया गया है और वाकई इसको वो मीन करते हैं तो अलग तरह का बर्ताव होगा। और अगर उनका पुराना स्टैंड, पुराना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग या पुरानी विचारधारा विरोधियों के प्रति वही रहती है, या जो क्रिमिनल केसेस चल रहे लोगों पर उनके वही रहती है, तो फिर देश की पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट होगी। तो आने वाला वक्त बताएगा। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। हाँ, बहुत समय पहले एक नारा लगा था इंदिरा जी के लिए, किस जमाने में, इंदिरा इंडिया जी, उस समय का मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो देश के हालात मैंने देखे तो बहुत लार्ज एक्सटेंट तक आप कह सकते हैं कि स्लोगन सही है, ये नारा सही है। और आज आप देखिए अमित शाह ने क्या ट्वीट किया है जीत पे, उसने कहा फिर से मोदी सरकार एंड थैंक यू इंडिया, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। इसका मतलब दबी जबान से खुद पार्टी मानती है, और इतनी सीटें आप लाए हैं, फिर देश में बाकी क्या बचा, आप 350 ला रहे हैं 542 में से, तो लार्ज एक्सटेंट मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। और सबसे बड़ी बात है, मोदी ने खुद इस थ्योरी को, इस नैरेटिव को मोदी ने खुद ने बनाया, और मोदी ने खुद इसका प्रचार किया कि मोदी मनसा वाचा कर्मा। उन्होंने इस तरह का मैसेज दिया कि मुझसे दुनिया, मुझसे संसार, मुझसे पार्टी, मुझसे मैंडेट, मुझसे जनता, मुझसे चुनाव, इसलिए सब गाओ हर हर मोदी। और देश ने गाया हर हर मोदी, आपने देखा, तो चमत्कार है उनका, ये वो करते हैं ये। तो आप कह सकते हैं तो लार्ज स्टैंड की बीजेपी जो कह रही है मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, तो उनके हिसाब से काफ़ी हद तक सही है आज वो बात। सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये चुनाव मोदी वर्सेस डेमोक्रेसी थे और जिसमें डेमोक्रेसी की हार हुई है। ये कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना था कि मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, मोदी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का यूज़ कर रहे हैं, चुनाव के दौरान ही चुनाव पार्टियों के दफ्तरों पर छापे मार के जो कैश चुनाव में यूज़ करते हैं उसको जब्त कर रहे हैं। तो उनका यह था कि मोदी वेंडेटा करते हैं और इस तरह से जो है ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है ये। लेकिन आज जो परिणाम सामने आया है तो ये भी लोकतंत्र है, तो 350 एनडीए जीत के आ रहा है, तो आरोप धुल जाता है उनका कि मोदी वर्सेज लोकतंत्र था। अगर उनका था आरोप तो जनता ने उस आरोप को धो दिया, जनता ने उस आरोप को नहीं माना, और इसी लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट डालने की प्रणाली के अंदर उन्होंने मोदी को बम बम किया, मोदी को वोट दी। सर, मंत्रिमंडल का आकार और रचना कैसी होगी? आकार रचना के बारे में तो ये कि जितने संख्या मंत्रियों की अभी है लगभग उतनी संख्या मंत्रियों की रहेगी। और चूंकि मोदी को अनिश्चितता नहीं है, कोई दबाव नहीं है किसी वर्ग का, विशेष का, गुटों का, दलों का, तो एक बार में करेंगे मंत्रिमंडल का निपटारा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि 50% मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, 50% मंत्री नए आ सकते हैं, ऐसी दिल्ली में चर्चा है। एक्चुअल में क्या है, मंत्रिमंडल का नक्शा, उसका आकार, उसकी केमिस्ट्री केवल दो व्यक्तियों को मालूम है, मोदी एंड अमित शाह। लेकिन मोटे तौर पर दो बातें सामने आ रही हैं कि आकार लगभग वही होगा, एक साथ होगा, और 50% नए चेहरे मंत्रिमंडल में शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, 50% नए चेहरे। क्या अमित शाह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? और अरुण जेटली की बात करें तो क्या वित्त मंत्रालय उनसे लिया जाता है? और अगर ऐसा होता है तो नई सरकार में जेटली का रोल क्या होगा? और अगर एन वक्त पर अमित शाह को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो फिर पार्टी की कमान कौन संभालेगा? सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या अमित शाह सरकार में शामिल होंगे, क्या वो गृह मंत्री बनेंगे? आम धारणा ये है, उनकी जो नियंत्रण की जो टेंडेंसी है या नियंत्रण की पावर है कंट्रोल करने की, वो कई बार कह भी चुके हैं कि मैं इसलिए सख्त रहता हूँ, डिसिप्लिन लागू करना चाहता हूँ मैं कंट्री में, पार्टी के अंदर, और इसलिए मैं अनावश्यक रूप से नहीं हंसता। ये तो खैर उनके व्यक्तित्व की बात हुई, लेकिन जो बात है उनके मंत्रिमंडल में आने की, तो पहले चर्चा काफ़ी प्रबल थी कि वो आएंगे मंत्रिमंडल में, लेकिन अब सुना है कि मंत्रिमंडल में आने की जल्दी उनको नहीं है, कुछ और राज्यों में, महाराष्ट्र वगैरह में चुनाव होने बाकी हैं, उन सब राज्यों में भगवा फहराएंगे, पार्टी को जिताएंगे, और जिस दिन उनका मन होगा रात को नरेंद्र मोदी को फोन करके कह देंगे कि मैं शामिल हो रहा हूँ, अगले दिन मोदी उन्हें शामिल कर लेंगे, परफेक्ट केमिस्ट्री दोनों के बीच में है। अब सेकंड प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल में शामिल हो गए तो वैकेंसी उनके कौन कौन दावेदार उसके हो सकते हैं? तो सबसे पहले दावेदार उसमें माना जाता था जेपी नड्डा को, जब अमित शाह बने थे ओम माथुर नाम भी चला था उसमें जो है। लेकिन पिछले दिनों मैंने सुना कि भूपेंद्र यादव काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, मास्टरमाइंड स्ट्रेटजिस्ट हैं, क्रिटिकल टाइम्स पे हर समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मोदी और अमित शाह के साथ बैठे थे। फिर एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी चलता है कभी कभी, तो ये दो तीन नाम हैं इस तरह के, उसमें तय होगी। लेकिन जो भी अध्यक्ष होगा वो अमित शाह की पसंद का, उनकी चॉइस का होगा, और वो अध्यक्ष नहीं रहते हुए भी
रिमोटली अध्यक्ष का काम करेंगे, चाहे वो गृहमंत्री हैं चाहे कुछ भी रहेंगे। अरुण जेटली को लेकर सर सवाल, अरुण जेटली का यहाँ तक सवाल है, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। वैसे वो क्या है कि फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है नरेंद्र मोदी के, और उनके बारे में कहा जाता था कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वो हैं दिल्ली में। उनका जो ज्ञान है, अनुभव है, दिल्ली की जो पंचायत की उनको समझ है, मीडिया की समझ है, विभागों की समझ है, कानून की समझ है, वित्त की समझ है। अभी कोई तबीयत ठीक नहीं, कल जो मीटिंग हुई थी परसों उसमें वो नहीं आ पाए इस कारण से। लेकिन आम धारणा ये कि शायद इस बार हो सकता है पीयूष गोयल रेगुलर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसा हुआ अगर और उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रही तब भी बिना विभाग के मंत्री भी रह सकते हैं, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट रहेंगे जब तक जीवन है। अरुण जेटली इस सरकार का एक कंपल्सरी कंपोनेंट है इन और आउटसाइड द मिनिस्ट्री। अब जब मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो 2014 में हमने देखा कि छोटा मंत्रिमंडल मोदी इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन सभी स्टेट की शेयरिंग बराबर हो, सभी दलों को बराबर मौका मिले। तो जब राज्यवार शेयरिंग की बात आती तो राजस्थान का जिक्र बहुत जरूरी है। अब राजस्थान में ऐसे कौन से सांसद आपको लगते हैं, चेहरे लगते हैं जिनको फिर से यहाँ पर मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल? राजस्थान लकी इस मामले में, देखिए पिछली बार राजस्थान के तीन मंत्री तो बड़े पावरफुल रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़, पाली वाले चौधरी जी, अर्जुन मेघवाल, ये सब रहे। तो जिनके समीकरण हैं इनको देखते हुए लगता है इनमें से शायद ही कोई ड्रॉप हो, इन चारों के तो आने के पूरे आसार हैं। अब रही बात नए लोगों की, तो हो सकता है मोदी और अमित शाह के मन में क्या है, लेकिन ये तय है कि इससे ज़्यादा कोटा तो मिलने की संभावना नहीं है। अगर किसी नए को लेंगे तो एक आध कोई ड्रॉप होगा या डायलूट होगा। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर इस बार पूरे चांसेस हैं। इस बार सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि इनके राज्यवर्धन राठौड़ के आसार बनते हैं कैबिनेट में आने के, उसके बाद आसार गजेंद्र सिंह के बनते हैं, क्योंकि वो एक लंबी रेस का घोड़ा उनको अमित शाह, नरेंद्र मोदी राजस्थान में मानते हैं। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर, मंत्रिमंडल तो बन जाएगा, लेकिन 2014 का चुनाव सपनों का चुनाव था, ये चुनाव उम्मीदों का चुनाव कहा जा सकता है। तो ऐसे में क्या जो जनता की उम्मीदें हैं, फिर चाहे वो 35A को लेकर हो, 370 को या राम मंदिर को, ये एजेंडा हो सकता है? एजेंडा निश्चित होगा। 2014 का नारा था अच्छे दिन आए, कितने आए नहीं आए ये भी बात खत्म हो गया देश में राष्ट्रवाद के साथ, परफॉर्मेंस पे वोट नहीं हुआ, ठीक है। और 2019 की बात है, तो 19 में क्या पूछ रहे हैं आप? एजेंडा क्या रहेगा जिसके साथ 5 साल आगे चलेगी, जो ये जो आपने कहा है, हाँ, एक एजेंडा है पॉलिटिकल, एक एजेंडा है आर्थिक एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा में उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, उनका स्टैंड लेकिन वही का वही है आज, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके अनुसार इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और अब कोई ऐसी अर्जेंसी है नहीं, कोई चुनाव आसपास ऐसा है नहीं, तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जिसे कहते हैं जो कानून जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा पार्टी उसमें आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर आरएसएस का दबाव हमेशा रहेगा, जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और मंदिर का निर्माण ये लोग शुरू करें। दूसरी बात है 370 की, मुझे नहीं लगता कि 370 को हटाने की बात अभी लोग कर पाएंगे, 35 से जरूर हट सकता है वहाँ से, कश्मीर से ऐसा लगता है। और जो बात है समान आचार संहिता की, वो भी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में रहेगा, तो इमीडिएटली कुछ ऐसा हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। सर, इस बात का जिक्र तो आपने पहले ही कर दिया कि एंटी इनकम्बेंसी, कास्ट फैक्टर और लोकल इश्यूज को लोगों ने नकार दिया, तो क्या पुलवामा एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं मोदी की जीत के लिए? इसके दो इशू हैं, क्या कास्ट फैक्टर को नकारा और सेकेंड है पुलवामा टर्निंग पॉइंट था। तो पहले मैं कास्ट फैक्टर की बात करूँगा, निश्चित तौर पर पहला चुनाव है कास्ट फैक्टर को पूरी तरह से नकार दिया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, यादव ने, मुस्लिम ने, सब लोगों ने वोट दिया, तभी आपकी 61-63 सीटों की बात चल रही है। राजस्थान में दिलचस्प किस्सा है, एक कांग्रेस के नेता हैं धर्मेंद्र राठौड़, बांसूर से आते हैं, मैं बांसूर मुख्यमंत्री का भाषण सुनने एक में गया था, लौटते समय राज्यवर्धन का कोटपुतली मैंने सुना उस दिन, तो बांसूर में मैंने देखा कि जब सभा में लोग थे, कांग्रेस की सभा में ज़्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैंने सर्वे किया बाद में, और चूंकि राजपूत हैं राज्यवर्धन राठौड़, तो जाट स्वाभाविक तौर पर उनको वोट नहीं देने चाहिए पॉलिटिकल थीसिस के हिसाब से, लेकिन उसने कहा आप लिख लेना मोदी के कारण से और राज्यवर्धन की जो स्ट्रैटेजी उसके कारण से बड़ी संख्या में जाट वोट देंगे, और लोगों ने वोट दिया। उन्होंने कहा गहलोत समर्थक हैं माली समुदाय के लोग, माली वोट देंगे, माली ने वोट दिया उसको जाके वहाँ पे। तो ये मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ यूपी की घटना, बांसुरी घटना, पूरे देश की घटना, कि लोगों ने केवल मोदी को जिताने के लिए सारे बैरियर तोड़े और कास्ट जो 50 साल से चला रहा है कास्ट फैक्टर उसको पूरी तरह से उन्होंने लगभग ख़त्म किया। सेकंड सवाल आपका था क्या पुलवामा टर्निंग पॉइंट था, 100% टर्निंग पॉइंट था। पुलवामा से पहले हालात कुछ और थे, पुलवामा के दो परिणाम निकले, एक तो उसके कारण से क्या है कि एयरफोर्स ने पाकिस्तान में एंटर किया, ये पहली बार हुआ, और दूसरी बात ये हुई
कि पाकिस्तान ने पलट के वार नहीं किया उनकी एयरफोर्स से, ये पहली बार हुआ। आमतौर पर होता है जब आप एंटर करते हैं तो जवाब भी वहाँ से आता है। मोदी वॉज वेरी लकी और कैलकुलेट रिस्क उन्होंने जो लिया वो कामयाब हुआ, तो उस फोर्स के वहाँ जाने से लौट के आने से जो माहौल बना वो देशभक्ति का वो माहौल बना जो 65 में पहले बना, 71 में पहले बना था। और दूसरा इसका लाभ ये हुआ कि कांग्रेस ने अनफॉर्चुनेटली स्टैंड ऐसा लिया उसको चुनौती देने का, कितने लोग मरे, कितने बम गिरे, कितने आए, कितने गए, जहाज कहाँ है, कहाँ से आया, उसको जनता ने ये माना। और मोदी और अमित शाह ने भाषण से जनता को मनवा दिया कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ सोचते हैं, ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इनको सबक सिखाना है। तो वो जो नारा था, मोमेंटम था, वो काम आया, तो टर्निंग पॉइंट था ये। आई एग्री विद यू। सर 2014 में बीजेपी जब चुनाव का नारा लगा रही थी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। 2019 तक आते आते जब भारत का नक्शा उठा के देखते हैं तो बहुत हद तक ये सच साबित होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे हालात में जब प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनाने दोबारा जा रहे हैं तो विपक्षी पार्टी के साथ उनका रुख क्या रहेगा, खासकर गांधी परिवार के साथ, वो जरा फोकस कीजिए। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत एक बात है और गांधी परिवार के साथ उनका व्यवहार हैंडलिंग वो अलग बात है। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो जनता ने कर दिया, मोर और लेस 350 सीट दे दी इन्हें वे। अब देखिए राजस्थान देखिए, एमपी देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, गुजरात देखिए, तो समेक्शन कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी वहाँ पे भी, और कुछ राज्य देखिए आप जो है, कर्नाटक देखिए इन्हें वे। तो वो तो अब क्या है कि उसको उनको परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका जो सपना था, उनका जो नारा था, उनकी उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वो जनता ने काफ़ी हद तक कांग्रेस को सत्ता से मुक्त किया इन राज्यों में। सर इससे जुड़ा हुआ सवाल ये था कि गांधी परिवार के साथ उनका कैसा रहने वाला है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उस सवाल का कुछ जवाब तो उन्होंने आज दिया है, जो उन्होंने कहा हुआ सो हुआ, अभी नई शुरुआत करते हैं। अदरवाइज उनके मन में था कि इस बार जेल भेजेंगे केसेस में जो लोग बन रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का केस चल रहा है, हुडा का केस चल रहा है, कभी कभी आप अहमद पटेल की बात भी करते हैं और कभी सोनिया गांधी की बात भी करते हैं। हेराल्ड केस में क्या है कि आप राहुल गांधी की बात भी करते हैं, तो इन्हें वे चिदम्बरम की बात आप करते हैं, कीर्ति चिदम्बरम की बात आप करते हैं, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है इस तरह की जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अगर भाजपा ने वेंडेटा नहीं भी किया तो कोर्ट के कानून से, कोर्ट के प्रोसीडिंग से अगर वो लोग जेल गए तो मोदी रोक नहीं पाएंगे उनको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार क्या उसको परस्यू करती है उस एजेंडा को कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज का जो बयान है प्रधानमंत्री का वो काफी सुखद है, आशाजनक है। तलखियां सिर्फ गांधी परिवार से ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल चले जाए तो ममता बनर्जी के साथ, बिहार चले जाए तो तेजस्वी के साथ, यूपी चले जाए तो माया और मुलायम के साथ, तो इन लोगों के साथ कैसा रिश्ता रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लालू अभी तक जेल में ही बंद है, या मायावती को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर जो तलखियां है वो किस तरीके से हमें देखने को? देखिए व्यक्तिवार अगर हम देखते हैं इस बात को तो यहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, वो तो मोर और लेस गंगा नहाए इन ए वे। अभी मतगणना से दो दिन पहले सीबीआई ने क्लीन चिट दी सुप्रीम कोर्ट में कि जो डिसप्रोपोर्शनल असेट्स का केस था उसमें केस बनता नहीं है। तो आम धारणा ये है कि सीबीआई ने किसी न किसी प्रभाव में इस बात को कहा होगा वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट आम तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि उसे स्वीकार करेगा। तो उनका जो मेन डर था, मेन इशू था, और मुलायम सिंह एक ऐसा आशावाद का फैक्टर उनके मन में। अभी जब मुलायम सिंह को क्लीन चिट दी तो कई लोगों ने कहा अगर मोदी को जरूरत पड़ेगी तो मुलायम सिंह चिट्ठी बिना अखिलेश यादव को बताए भी रात को साइन करके नरेंद्र मोदी को भेज सकता है इन्हें वे। तो अखिलेश यादव तो मोर और लेस उससे अब इन्हें वे बाहर मानता हूं मैं। रही बात मायावती की, तो निश्चित तौर पर मायावती केसेज हैं, सब कुछ है, मोदी के रुख पर डिपेंड करेगा। तेजस्वी पर भी केसेज हैं, उनके लालू यादव की फैमिली केस उनसे डिपेंड करेगा, और अभी मैंने पढ़ा कल कमलनाथ पर डिपेंड करेगा उनके केस, उन्होंने उसका जो इंस्टीट्यूट है नोएडा में, इसमें गाज़ियाबाद में जो है वहाँ पे, उसका निकाल दिया है कि यूपी की सरकार ने किसी ज़माने में 15 एकड़ ज़मीन इनको ना आउट ऑफ कंटेस्ट, आउट ऑफ रूल्स जाके दी थी। तो डिपेंड करेगा मोदी के पॉलिटिकल रुख पे कि क्या वो फ्लेक्सिबल हो गए हैं, क्या उदारवादी हो गए हैं, क्या उनका मुख्य जो फोकस है, इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मोदी को जनता ने दी उसको लागू करने में उनका फोकस रहेगा, या कि पुराना जो एजेंडा है उसको लागू करने में रहेगा। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की सर बात हो रही, बेहद अहम राज्य है, 80 सीटें यहाँ से आती हैं। सपा बसपा का यहाँ पर जो महागठबंधन था, उम्मीदें उससे बहुत ज्यादा थी लेकिन सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? कारण है वही मोदी का कृष्णा, मोदी की लहर कास्ट फैक्टर से बाहर जाके, क्यों वो जो गठबंधन था बेसिकली कास्ट अलायंस पे बेस्ड था, कास्ट ओरिएंटेड था, उसमें नहीं हुआ। चलिए सर, पिछले चुनाव में तो बहन जी का खाता नहीं खुला था, इस बार साइकिल खींच लगे खाता खुला और ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ गया, दहाई में पहुंच गई, लेकिन दीदी का गढ़ क्यों ढह गया, वहां पर सेंध मारी बीजेपी कैसे कर गई? वो एक दिलचस्प विषय है। देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
एक तो यह है कि वहाँ न तो कोई हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेज मुस्लिम नहीं है बंगाल के अंदर। 30% मुस्लिम हैं ऑलरेडी, अपीजमेंट में दीदी के साथ रहते हैं इन ए वे, या वैसे पॉपुलरिटी में रहते हैं, कैसे मान लीजिए आप उसको जो है। दूसरा क्या है कि वहाँ को मोदी लहर भी ऐसी नहीं थी। वहाँ जो मेन नुकसान हुआ है या जो दीदी को झटका लगा है वो उनके खुद के घर के भेदियों से लगा है, अपने घर को ठीक से संभाल नहीं पाई। और दूसरा क्या था कि अमित शाह ने बहुत ज़बरदस्त स्टैंड वहाँ पर लिया, बहुत काम किया वहाँ पे। ममता बनर्जी जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से बयानबाजी कर रही थी, मोदी के अगेंस्ट में बयान दे रही थी, क्या वो भी एक रीज़न था? बयान में तो किसी की कमी नहीं थी, मोदी ने बयान दिए, ममता ने बयान दिए, ममता डरी नहीं ऐन वक्त पे जो भी था। लेकिन कुल मिला के ये कि भाग्य भी कोई चीज़ होती है। अब अगर जिस तरह से ममता ने लेफ्ट को हटाया था, लगता है शायद कि ममता के हटने का वक्त आया हो, यू नेवर नो, और बीजेपी के हाथों हटने वाली हूँ। अब अमित शाह की सारी दिलचस्पी विधानसभा चुनाव पर है। अब प्रश्न ये है कि आने वाले दिनों में क्या बंगाल सरकार का फोकस किस तरह का रहेगा, सेंटर का। राजीव कुमार के जेल जाने की संभावना बनी हुई है, आप देख रहे हैं सीबीआई को उस केस के अंदर। ममता शारदा चिट के कांड में जो ममता खुद पे आरोप हैं, तो आने वाले दिनों में इस चुनाव का जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है आगे जाके, वो बंगाल पर होने वाला है, जब ममता दीदी काफ़ी प्रेशर में रहेंगी और काफ़ी कोर्ट कचहरी वहाँ पर हो सकती है। राष्ट्रीय शासन तो नहीं लगेगा अभी, क्यों साल डेढ़ साल में, डेढ़ साल में चुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी की यही अगर प्रोग्रेस का रहा और अमित शाह का यही स्टैंड रहा इस तरह से, तो हो सकता है अगला चुनाव बीजेपी विधानसभा का वहाँ जीत जाए, ऐसा हो सकता है। तो दीदी के लिए आने वाले दिन थोड़ा सा कठिनाई भरे हो सकते हैं। सर, ओडिशा को लेकर सवाल मेरा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनकी एक अलग स्ट्रेटेजी थी, ओडिशा को लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी थे, विधानसभा चुनाव भी थे, बीजेपी ने बहुत बेहतर वहाँ पर परफॉर्म किया है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स का सिनेरियो वहाँ पर किस तरीके सर? उड़ीसा इज़ ए ट्रेजेडी ऑफ धर्मेंद्र प्रधान ड्रीम्स। उसका सपना था इस बार तो मोदी लहर के कारण से विधानसभा भी हम जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। पहले शायद एक आध सीट थी, अब 7-8 सीट का है, 7-8 सीट आगे होंगी, तो ठीक है इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बीजेपी का सपना अधूरा रह गया। सर, बिहार में तो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दिया नीतीश कुमार के साथ मिलकर, या फिर लालू यादव के परिवार की गुटबाजी की वजह से ये हुआ वहाँ? ये मिरेकल है, बिहार का मिरेकल इसलिए कि एक ज़माना था 6 महीने पहले जब लोग इंटरव्यू देखते थे लोग तेजस्वी यादव का, इन सब का, और कहते थे भी तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है, और जो गठबंधन बने थे, और गठबंधन इतने अच्छे बने थे, कांग्रेस ने बनाए थे, इन्होंने बनाए थे, प्लस आरजेडी ने बनाए थे, और काफ़ी रीजनेबल गठबंधन थे काम करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए। दो कारण रहे, एक तो लालू यादव के परिवार का आंतरिक झगड़ा, और दूसरा क्या हुआ कि लोगों को वही मोदी को वोट देना था इन ए वे, तो नीतीश कुमार जो डूबते डूबते बचे इन ए वे जो है। सर, क्योंकि हम गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, आपने यूपी के बारे में भी बताया, बिहार के बारे में बताया, लेकिन हम महाराष्ट्र को कैसे भूल सकते हैं? वहां पर भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था वो हार गया वहां, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो शिवसेना हैज़ बीन वेरी लकी, अगर वो गठबंधन तोड़ लेते मोदी से तो आज के माहौल में हार जाते। सर, दिसंबर 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में आ जाती है, बहुमत के आंकड़े को छू लेती है और वहां पे सरकार बनाती है। जो मोदी विरोधी लोग हैं वो भी तैयार होते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जान आ गई है और एक माहौल क्रिएट होता है, लेकिन 5 महीने बाद ये जनादेश कैसे रिवर्स हो गया? ये आश्चर्य की बात है, लेकिन जब मैंने फील्ड में जहाँ जहाँ घूमा, लोगों से मैंने पूछा, जो लोगों ने कहा मोदी को वोट दे रहे हैं, जोधपुर गया तो कुछ लोगों ने कहा गहलोत साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस बार हम वोट मोदी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है कि राजस्थान का वोट तो हम गहलोत साहब को देंगे जब भी चुनाव आएगा, दिल्ली का वोट हम मोदी को देंगे। तो अधिकांश राज्यों में यह धारणा बनी, या समझो कि राष्ट्रवाद के कारण से लोगों का जो मन बना, तो लोगों ने आर्गुमेंट ये लिया कि राजस्थान का राज्य का वोट आपके लिए, ममता दीदी के लिए, आपके लिए, पटनायक के लिए और के लिए, लेकिन दिल्ली का जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के लिए है। तो इसका कारण लोगों ने इस तरह से दिया, इसलिए इसको अपन ये नहीं कह सकते कि क्या कोई बेसिक उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू है क्या है, बस लोगों का मन बना था मोदी पर, उन्होंने ये इसको बायफ्रिकेट कर दिया कि दिल्ली का वोट डिफरेंट है, स्टेट का वोट डिफरेंट है, दैट्स द रीजन। सर, हिंदी पट्टी का जो चुनाव परिणाम है वो तो समझ में आता है कि लोग बहुत सेंटिमेंट में हैं, या नरेंद्र मोदी जो किधर के गुजरात के हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन पूर्वोत्तर में ऐसा परफॉर्मेंस? पूर्वोत्तर तो वेल थॉट है, वो तो मेहनत का परिणाम है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी का परिणाम है, राम माधव के काम का परिणाम है, खुद नरेंद्र मोदी ने वहाँ जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हैं, एयरलाइंस को इम्प्रूव किया, एयरपोर्ट्स को इम्प्रूव किया, प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हैं, प्लस वहाँ घर का भेदी विभीषण वहाँ जो सबसे बड़ा तोड़ा था उन्होंने, वित्त मंत्री आसाम का, उसके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया, तो ये उनका टारगेट था कि हमें यहाँ घुसना है, अल्टीमेटली कामयाब हुई। और वहाँ को इनको विरोध नहीं था, कन्फ्रंटेशन नहीं था सामने
कोई कांग्रेस नहीं थी, कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी रणनीति से, अपने साम दाम दंड भेद से वहाँ पर उनका टारगेट था और उस टारगेट को उन्होंने जीता। इन वे नॉर्थ ईस्ट में असम से शुरुआत हुई, त्रिपुरा तक जीतते चले गए। सेवन सिस्टर पर नजर थी, उसको पूरा किया, लेकिन अगर सिस्टर और ब्रदर की बात करें जोड़ी की, कांग्रेस की, राहुल गांधी और प्रियंका की, तो पिछला जो चुनाव था उसमें 44 सीट कांग्रेस को मिली थी, इस बार सीटें बढ़ी हैं। लेकिन इन सबके बीच में राहुल गांधी के फेस को आप कहाँ देखते हैं, उस मॉडल को कहाँ देखते हैं कि मोदी मॉडल बनाम राहुल मॉडल? उसका ऐसा है कि इस सारे चुनाव में अगर हम राहुल गांधी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, उन्होंने निर्भीक निडर होकर के जो भी किया, हमले किए, नरेंद्र मोदी पे हमले किए, अंबानी पे हमले किए, अडानी पे हमले किए, तो उन्होंने अपने पर्सनैलिटी को एक नेता के रूप में डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाग्य ने साथ नहीं दिया इन्हें पे। और मोदी लहर इतनी प्रबल हुई, राष्ट्रवाद का सेंटिमेंट इतना प्रबल हुआ, तो वो जो उन्होंने जितना माहौल बनाया था, जितना मोमेंटम बनाया था उन्होंने, जो सिनेरियो बनाया था, उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सके। और दूसरा क्या रहा कि अगेंस्ट नरेंद्र मोदी अपने आप को एज ए अल्टरनेटिव एस्टेब्लिश नहीं कर सके वो। उसका कारण ये था कि ज्वाइंट अपोजिशन ने कभी उनको एज एन अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में पेश ही नहीं किया, तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो बड़ी संख्या में लोग, अगर पुलवामा नहीं भी होता तब भी लोग बड़ी संख्या में वोट मोदी को देते, क्योंकि उनके सामने सवाल ये था कि हु इज़ अदर देन मोदी, इसका जवाब लोगों के पास नहीं था। राहुल गांधी को उन्होंने एज ए अल्टरनेटिव एक्सेप्ट नहीं किया उस समय। तो राहुल गांधी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया, अगर वो 20 नंबर पे थे तो आज वो 45 नंबर पे हैं, लेकिन मोदी जो 90 नंबर पे है, अमित शाह जो 90 नंबर पे है, वो बहुत गैप है अभी भी। बिल्कुल, और जिस तरह से गांधी परिवार की बात कर रहे हैं सर आप, उत्तर प्रदेश की अहम सीट है अमेठी, जिसे गांधी परिवार का गढ़ भी कहा जाता है। आज मतगणना के दौरान बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, कभी राहुल गांधी, कभी स्मृति ईरानी, ऐसे में परिणाम जो आया राहुल गांधी की हार, इसे कैसे देखेंगे आप, इस हार को कैसे देखेंगे? ये बहुत बड़ी घटना है और इसका एक कारण ये, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, लगी हुई थी स्मृति ईरानी कई सालों से। और दूसरा होता है कि एक सुरक्षा के लिए कहा जाता है, वीआईपी की सुरक्षा के बारे में, कि जिसको अटैक करना होता है, जैसे मान लो इंदिरा जी पर अटैक किया किसी ने, तो उसको केवल एक दिन का इंतज़ार करना होता है सुरक्षा में जो चूक हो, और जिस पे जिम्मेदारी है उसको 364 दिन इंश्योर करना होता है कि सुरक्षा बनी रहे। तो चूक हो गई राहुल गांधी से, एक दिन स्मृति ईरानी कामयाब हो गई, काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी, और वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, कुछ मोदी इम्पैक्ट था, कुछ राहुल गांधी वहाँ चुनाव लड़ने चले गए, तो प्रचार काफ़ी हुआ कि छोड़ के भाग गए हैं, कोई भागे नहीं थे, प्रचार हो गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये भी कि प्रियंका गांधी के पास चार था उसका, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, फिर भी हारे वो इन वे, तो भाग्य ही कहा जाए, ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस कहिए, और स्मृति ईरानी की लगन, धुन और उसके एफर्ट की विक्ट्री है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रियंका गांधी को बिना तैयारी के लॉन्च किया गया और शायद इसी वजह से यूपी में फायदा भी नहीं मिला पार्टी को, लेकिन अगर हम वाराणसी की बात करें, क्योंकि अटकलें बहुत ज्यादा लगाई जा रही थी कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, तो वहां चुनाव न लड़ने की मतलब स्वीकृति क्यों नहीं मिली? वो इसलिए नहीं मिली, दो कारण है उसके। एक तो राहुल गांधी कोई फैसला फाइनली नहीं कर सके, और मैंने सुना कि सोनिया गांधी का व्यू था कि ये वेस्ट करना होगा इस लड़की को वहाँ पे, इतने बड़े ब्रांड को, क्योंकि वहाँ बीएसपी ने इनकार किया था, बीएसपी ने अश्योर नहीं किया था कि हम समर्थन देंगे। तो मानना मेरा ये कि लेट हो गए, अगर प्रियंका गांधी को कॉमन कैंडिडेट बनाना था तो 4 महीने पहले से बात होनी चाहिए थी, मायावती को मनाना चाहिए था, अखिलेश को मनाना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि हमारा गठबंधन चाहे ना सही लेकिन इस एक सीट पर गठबंधन होगा। तो होमवर्क नहीं था कांग्रेस के पास किया हुआ, प्रियंका गांधी लड़ना चाहती थी इन वे, और उन्होंने कहा भी था कि अगर पार्टी टिकट देगी तो मुझे बहुत खुशी होगी लड़के। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगा कि तो थोड़ा सा राहुल गांधी रिलेक्टेंट थे उसकी वहाँ एंट्री को लेके, और दूसरा सोनिया गांधी का यह मानना था, पॉलिटिकल असेसमेंट था उनका, फेयर असेसमेंट था कि होमवर्क प्रॉपर नहीं है, अब इसको नहीं उतारा जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ, अनिश्चितता रही और फिर ठीक। इस बीच हम जरा उस नारे का जिक्र कर ले जो इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान छाया रहा, चौकीदार चोर है, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया राहुल गांधी के। वो न सिर्फ पीसी में बल्कि चुनावी मंच से भी जाकर इस नारे को बखूबी लगाते थे और वहां से पब्लिक भी एकजुट होकर उनके स्वर में स्वर मिलाकर बुलंद करती थी इस आवाज को। लेकिन इसका असर ऐसा हुआ कि वोटों में वो चीजें तब्दील नहीं हुई और कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को हो गया। इसके दो पहलू हैं इसके। एक तो क्या है कि राहुल गांधी का सुपर डुपर हिट नारा था, चौकीदार चोर है, इसमें कोई शक नहीं। और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता ये, अमित शाह की, उनको ज़मीन की पकड़ होती है, उनको, वो अंधेरे में नहीं रहते, इन्फॉर्मेशन होती है उनको, जनता का मूड क्या है उसको देखते हैं और फिर उसको एक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं उसको। तो जब उनको लगा कि नारा हिट हो गया है, तो कुछ दिन तो उन्होंने ये चलाया उसके अंदर,
कि चौकीदार चोरों को जेल भेज के आएगा, चौकीदार चौकन्ना है, उनको मज़ा नहीं आया, उनको लगा कि इसका पूरा इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने सरेआम खड़े होकर मैदान में, इसे कहते हैं ना आमने सामने खड़े होके, जिसे कहते हैं चौड़े होके, उन्होंने कहा कि हाँ मैं चौकीदार हूँ, सारा देश मेरा चौकीदार है, और पूरी पार्टी को उन्होंने चौकीदार बना दिया और सुपर हिट होगा कैंपेन उनका जो है। तो ये चौकीदार चोर था उसको सुपरसीड कर गया ये मैं चौकीदार हूँ इन ए वे। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रंट ऑन लेने से, हेड ऑन लेने से भी आदमी लड़ाई जीतता है। तो लड़ाई जीती उन्होंने, लेकिन ये तय है उस नारे से वो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी बनी, काफ़ी हद तक उनको पॉपुलरिटी मिली, उन्होंने एनकैश किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोदी एमर्ज एज ए विनर इन दिस गेम आल्सो। रफाल को राहुल गांधी ने बहुत बेहतर तरीके से भुनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बोफोर्स की तरह सियासत को गरमाता नजर नहीं आया। आपको लगता है कि राहुल या कांग्रेस की तरफ से कमी रह गई इस मुद्दे को उठाने में? नहीं, राफेल में कमी तो नहीं रही, लेकिन ये सच है ऑल सेड एंड डन उसकी पूरी मेहनत के बाद और काफ़ी होमवर्क के बाद उसको बोफर्स नहीं बना पाए राहुल गांधी इन ए वे। हालांकि फिर भी मानना चाहिए कि डेंट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की इमेज में डाला, अनिल अंबानी के साथ उनके नेक्सस या जो नेक्सस बनाने की कोशिश की वहाँ पे जो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू रेट राहुल गांधी एज अ लीडर एंड आल्सो एन अल्टरनेटिव ऑफ नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी इज ए एमर्जिंग लीडर। रही बात अल्टरनेटिव की, तो एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी अभी एज एन अल्टरनेटिव उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी देश में नहीं मिल पाई है। अमित शाह और मोदी की इतनी बड़ी जीत को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी जीत है ये स्ट्रेटजी की जीत है, पॉपुलरिटी की जीत है, एग्जीक्यूशन की जीत है, हार्ड वर्क की जीत है, कुल मिला के क्या है, मेड फॉर ईच अदर टीम की जीत है। बिल्कुल सर, क्या आप मानते हैं कि अमित शाह ने 7 चरण में चुनाव हुए और हर चरण के लिए अलग अलग मुद्दे, अलग अलग रणनीति बनाई थी? मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ही इज़ ए 24/7 पॉलिटिशियन, मास्टरमाइंड स्ट्रेटजिस्ट, 20 घंटे काम करने वाले, तो उनका दिमाग इसी में चलता है हर समय, संगठन में, सरकार को जिताने में। तो हर चरण के लिए उन्होंने, ये सच है कि अलग स्ट्रैटेजी बनाई, मुद्दे अलग चुने, जहाँ मोदी का भाषण है उनका भाषण है, वो कहाँ का है, वहाँ के मुद्दे क्या है, उनको उठाया। और समय समय पर जो डेवलपमेंट साथ साथ होते थे, जैसे राजीव गांधी तक पे आरोप लगा कि भ्रष्टाचारी नंबर वन उनको बताने को, तो ये भी उनके स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। तो उनकी स्ट्रैटेजी तो वही जाने क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि हर चरण के लिए अलग मुद्दे थे, अलग स्ट्रैटेजी थी, और चूंकि नथिंग सक्सीड सक्सेस, चूंकि चुनाव जीत गए हैं, इसलिए जो कुछ उन्होंने किया सही था वो। अमित शाह से जुड़ा मेरा भी सवाल, स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं, क्या इसकी कोई काट नहीं थी कांग्रेस के पास, कोई ऐसा नहीं है जो अमित शाह को मात दे सके? बड़ा मुश्किल है इसमें, एक तो इतना कमिटमेंट हो लीडर के साथ, इतना बैकग्राउंड हो, साम दाम दंड भेद की राजनीति का अनुभव हो, और नरेंद्र मोदी जैसा पॉपुलर चेहरा उसके साथ हो मार्केटिंग करने के लिए। मुश्किल है ऐसा कॉम्बिनेशन, अभी कांग्रेस में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रियंका गांधी के साथ शायद बनता, कभी बना नहीं, उसके कारण मैंने आपको बताए, और निकट भविष्य में बना ऐसा लगता नहीं। तो अभी तो ये जोड़ी नंबर वन है, यही रूल करेगी। सर अमित शाह और मोदी को मेड फॉर ईच अदर बोला जा रहा है, जोड़ी नंबर वन बोला जा रहा है, इनके रिश्ते क्या हैं? इनके रिश्ते पॉलिटिकल हैं, इनके रिश्ते ह्यूमन हैं, इनके रिश्ते इमोशनल हैं, इनके रिश्ते साइकोलॉजिकल हैं, और मैं इनके रिश्ते गवर्नेंस के हैं। ये होम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स गुजरात में, और चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के दंगों के समय भी ये लोग थे पावर में, आपने सब देश में विवाद पढ़े ही हैं उस समय जो है। तो इनके रिश्ते बहुत ही गहरे हैं, फंक्शनल हैं, और सुख दुख में साथ रह के लड़ाई लड़ने के, जीने मरने के रिश्ते हैं इन लोगों के। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ रिश्तों का, इन्हें वे जो है कि इतना, आप देखिए वो भी 50-55 साल के तो हैं ही अमित शाह, और नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही कुछ आसपास जो है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी अमित शाह को बच्चे की तरह प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं उनकी। मैं घटना बताता हूँ आपको, 4-5 साल पहले मैं जब ईटीवी गुजराती चलाता था तो गुजरात में मिलना रहता था सब लोगों से, नरेंद्र मोदी सीएम थे, मिलने जाते थे, तो उनका इतना बड़ा दफ्तर होता था, उसमें एक इतनी बड़ी टेबल होती थी, उस टेबल पे कोई फाइल नहीं होती थी, कभी उनका फ़ोन नहीं बजता था। तो 24 घंटे उस जमाने के दिमाग में एक ही रहता था कि अगला चुनाव प्राइम मिनिस्टर का लड़ना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो पूरे संसार में एकमात्र ऐसा उदाहरण नरेंद्र मोदी ने, जो सोचा उन्होंने करके दिखाया, भाग्य ने साथ दिया और काम हुआ, उस प्रोसेस में अमित शाह उनके साथ रहते थे। तो एक दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो काफ़ी चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सर कैसे? उनका आज मुझे चिंता है कि अमित जी का शायद 4 सीट हो जाएगी किसी
केस में चार्जशीट की, गुजरात में जो केसेस हुए थे हिंदू अखबार में छपा था कि आज चार्जशीट हो सकती है, बहुत चिंतित थे वो उनके बारे में। तो मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि बच्चे की तरह प्यार करते हैं साथ साथ में इनको जो है, तो उनका रिश्ता तो बहुत अद्भुत है इन ए वे, मेड फॉर ईच अदर से थोड़ा आगे बढ़ के है। और बहुत भाग्यशाली लोग जीवन में ऐसे होंगे आपस में दोस्ती में, जिसे है ना बॉयज़ टू बॉय, बॉय गर्लफ्रेंड, स्त्री पुरुष, जिनके आपस में रिश्ते इतने गहरे और इतने अच्छे, इतने मैच्योर, इतने डिपेंडेबल हों, तो दे आर प्राउड ऑफ देयर रिलेशनशिप। सर एक सवाल है मेरा, दिल्ली में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त थी लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरा वेटेज अमित शाह को दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो कहा जाता है कि मर्यादा होती उसका उन्होंने पालन किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह के लिए वरदान है, उनके पॉलिटिकल लाइफ में उनका कद उस दिन बहुत बड़ा हो गया, वो प्रधानमंत्री को एक सहयोगी की तरह साथ लेके आए और मीडिया के प्रश्नों के सामने एक ढाल बन के खड़े रहे उनके सामने। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लोगों का आकलन ये बना कि अमित शाह वास्तव में नरेंद्र मोदी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, नंबर टू वो रेलेवेंट हैं। आज पार्टी और सरकार के अंदर कभी कोई सूरत आती है तो आज नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मल जिसे कहना चाहिए उत्तराधिकारी, वो अरुण जेटली नहीं है, वो राजनाथ नहीं है, सुषमा स्वराज नहीं है, गडकरी नहीं है, इन्हें वे जो है नरेंद्र मोदी के सारे ताले बाने केमिस्ट्री के अंदर आज व्यक्ति अमित शाह है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, उससे उनका कद बढ़ा, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली बार हुई, उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिया वो अलग बात है, अमित शाह ने जवाब दिया, लेकिन इससे क्या है कि अमित शाह इज द प्रिंसिपल गेनर। पूरे देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा अगर कहीं होती है तो पश्चिम बंगाल में, वैसे जगह पे जाकर अमित शाह ने कैसे रिस्क लिया होगा जब उन्होंने भी खुद से कहा कि सीआरपीएफ की वजह से मैं आज जिंदा हूं, जब उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो इसमें दो आदमी एक जैसे स्वभाव के हैं कई मायनों में, एक तो अशोक गहलोत और एक अमित शाह, ये क्या करेज और कन्विक्शन के लोग हैं, ये डरते नहीं हैं इन ए वे जी। लेकिन फिलहाल सवाल अमित शाह का है, अशोक गहलोत का नहीं है इन ए वे जो है। तो अमित शाह का मैंने देखा 17 तारीख को वो रोड शो था, तो उड़ीसा में गया था तो पास से एक जिज्ञासा के नाते देखने चला गया वहाँ। तो एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर वो रोड शो था, सेंट्रल कलकत्ता के पास, सेंट्रल पार्क के पास वहाँ पे था। तो 33 किलोमीटर तक मुझे कोई वहाँ पोस्टर अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, कोई भाजपा का अस्तित्व वहाँ नज़र नहीं आया। पूछा एक दो लोगों से तो उनकी वो अनभिज्ञ थे कि आज को अमित शाह का रोड शो होने वाला है कलकत्ता में जो है। एक किलोमीटर पहले जो पुलिस वाले खड़े होते हैं उन्होंने कहा कि हाँ रोड शो होने वाला है। तो उस दिन मुझे लगा कि बीजेपी ज़्यादा इन रोड नहीं बना पाई है कि 34 किलोमीटर में 33 तक उनका पता है, इन कोई नाम लेने वाला नहीं है ये। लेकिन अनुमान गलत था, क्योंकि जो एक किलोमीटर में मैंने देखा वहाँ पे, ये जो आज सीटें जितनी भी ला रहे हैं वो, ये उसी का परिणाम है। उस एक किलोमीटर में ये था कि 4 किलोमीटर लंबी जो पटरी होती है जो ट्राम के लिए होती है वो उनको अलॉट की हुई थी, तो वो दोनों तरफ बाज़ार थे वहाँ और ट्राम के अंदर जो है सारे करीबन 1,00,000 लोग थे, कोई 2,000 गाड़ियों के अंदर इन्हें मैं मानिए, वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से जा रहे थे। वहाँ पे अमित शाह का बिल्कुल टीएमसी के गढ़ के बीच में जा कर के टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच, उनकी जो वायलेंस जो रिकॉर्ड रहा, हिस्ट्री रही है लेफ्ट वालों की टीएमसी के, उसके बीच उनका एक खुले ट्रक में खड़े होकर सरेआम चुनौती देना ममता को कि ममता दीदी मैं आ गया हूँ, बहुत बड़ी बात थी, बड़ा मॉरल करेज था वो, किया उन्होंने वहाँ पे जो है। और सीआरपी के लोग उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, तो बाद में उन्होंने बयान दिया कि दंगा भी थोड़ा बहुत हुआ वहाँ, बाद में फसाद हुआ, तो उन्होंने कहा सीआरपी नहीं होती तो मेरे को हमला हो जाता, वो तो खैर थोड़ा उन्होंने ज़्यादा कहा ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन ये उनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उस माहौल में जा करके ममता दीदी के, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, पुलिस उनकी है, उन्होंने साहस किया और उसका परिणाम आपके सामने है। सर अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, अहम सीट जोधपुर हॉट सीट रही, वो क्यों रही ये भी सबको पता है, लेकिन यहाँ अगर बात करें वैभव गहलोत को जनता ने प्यार तो बहुत दिया लेकिन जिताया नहीं, वोट नहीं दिया, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं, और साथ ही इस हार के बाद अब वैभव गहलोत का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए जो हार हुई है इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए, इसको कलेक्टिव में देखिए। जब सारा राजस्थान ही हार गया तो वैभव कहाँ से जीते, नो एक्सेप्शन। जो सारा मध्य प्रदेश जीत हार गया तो वैभव कहाँ से जीते, सारा छत्तीसगढ़ हार गया इन ए वे, ठीक है। तो वो तो क्या है कि जो माहौल था इस समय, अब सेकंड सवाल ये कि जोधपुर में अशोक गहलोत की पकड़ ज़बरदस्त है, 40 साल से जोधपुर का चप्पा चप्पा उनको जानता है, वो भी जानते हैं, जनता उनको प्यार देती है, मोहब्बत देती है, उनके एहसान भी हैं जोधपुर पे, जोधपुर का जितना ओवरऑल डेवलपमेंट है,
उसे 90% अकेला अशोक गहलोत की देन है, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण इस बार साफ था, वही राष्ट्रवाद और वही दूसरा उनका दृष्टिकोण क्लियर था कि गहलोत साहब आपका जो कर्जा था हमने चुका दिया दिसंबर में आपको वोट देके आपकी सरकार बना के, ठीक है अब ये वोट हम दिल्ली को देंगे, नाराज मत होइए, ये वोट दिल्ली को देने दीजिए। दूसरा लोगों ने, मैं जोधपुर गया तो कुछ लोगों ने ये कहा वहाँ कि देखिए ऐसा है, मैंने पूछा कि भैया वोट डिफरेंट दे रहे हैं, एक जिज्ञासा थी मन में कि अशोक गहलोत आज तक कभी डिफीट नहीं हुए, अजय रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ में जोधपुर में, तो पहली बार उनके परिवार का उनका पुत्र हारेगा तो कैसा होगा ये। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि अगर अशोक गहलोत प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते अपोजिशन के या किसके, हम 25 सीटें सारी सारी राजस्थान अशोक गहलोत को देते, वो उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री पद के, मुख्यमंत्री के हैं और जब जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे हम वोट उन्हीं को देंगे, वैभव गहलोत भी जब राजस्थान से यहाँ से वो चुनाव लड़ेगा हम उन्हीं को देंगे, लेकिन आज जो वोट है वो दिल्ली का वोट है वो अलग है, हमारा ये वोट अलग है। एक बारात जा रही थी जोधपुर से ट्रेन में दिल्ली, मेरे मित्र उसी में यात्रा कर रहे थे 2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा 80 लोग थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे सर्वे टाइप किया तो 78 लोगों ने कहा कि देखिए भी गहलोत साहब बहुत अच्छे आदमी, हमारे बहुत काम करते हैं, लेकिन ये वोट तो जना मोदी को देंगे, तो माहौल बन गया इन वे जो है। तो इसको इस ढंग से देखा जाना चाहिए, ये वैभव गहलोत की अशोक गहलोत की पर्सनैलिटी की उनकी लोकप्रियता की हार नहीं है, ये माहौल की और लोगों के माइंड सेट की राष्ट्रवाद की उसके कारण से यह हार हुई है। सेकंड जो आप कह रहे हैं आगे भविष्य क्या है, वैभव गहलोत का भविष्य उनका वही है जो यंग आदमी का होता है, अभी 39 या कुछ ऐसी उम्र है उनकी 40 साल के आसपास जो है, तो लड़ेंगे, 2-4 दिन अफसोस रहता है मन में आदमी के, हालांकि आज मुझे किसी ने कहा कि वो तो उनके चेहरे पर खुशी करनी थी, उनका जो सारा राजस्थान ही हार गया तो ठीक है, जो ईश्वर का आदेश है मंजूर है, लेकिन अपन एक हफ्ते बाद वापस जोधपुर के लड़ेंगे, यहाँ की समस्याएँ उठाएंगे, गली कूचों में जाएंगे, जोधपुर के मुद्दों को दिल्ली में उठाएंगे, जोधपुर के मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने जयपुर आके उठाएंगे, तो उनका मनोबल वही है। तो मेरा आकलन ये है कि जोधपुर ही उनका कैरियर है, अशोक गहलोत की विरासत को वही आगे बढ़ाएंगे जोधपुर में, और वो इस घटना से कोई 2-4 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और वापस जोधपुर में काम शुरू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या सर उम्मीद थी गजेंद्र सिंह शेखावत को इतने बड़े अंतर से जीतने की? और दूसरा सवाल, क्योंकि वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तो अब उम्मीद है कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, कैबिनेट में आएंगे, अमित शाह की वो पसंद माने जाते हैं, या फिर क्या राजस्थान में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, अमित शाह क्या उनको राजस्थान भेजेंगे? तो इस तरह के सवाल अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपके सवाल के 2 पार्ट हैं, एक तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीद थी इतने वोटों से जीतने की, और दूसरा है कि आने वाले कल को राजस्थान में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्या गजेंद्र सिंह भी होंगे इन्हें पे जो है। तो पहला आपने कहा उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, किसी को नहीं थी, किसी एमपी को नहीं थी, जिसे कहना चाहिए। आप यूँ कहिए कि इन सब जो एमपीज बने हैं इनके अगले 5 साल जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह का कर्ज चुकाने में बीत जाएंगे। चलिए गजेंद्र सिंह का भविष्य क्या है? हाँ, कैबिनेट में जाएंगे मोदी सरकार के या फिर राजस्थान में? गजेंद्र सिंह का जो विद इन दिस कैबिनेट भविष्य अच्छा है, एक संयोग की बात है कि अमित शाह के भी लाडले हैं वो, नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि जो 100 सीटों पर अमित शाह रोज रेगुलर मॉनिटरिंग करते थे उसमें राज्यवर्धन सिंह और गजेंद्र सिंह, राजस्थान से ये दो जिसे कहते हैं हम कि आँख के तारे हैं उनके इन वे जो है, तो उनकी दिलचस्पी है तो माना जा रहा है, और मिनिस्टर भी अच्छे थे अपने काम में, जो काम करते थे अपने मंत्रालय में उनका कुछ अनुभव भी था अपने एग्रीकल्चर के बिजनेस का, वो मंत्रालय उनके पास था, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन दो में से कोई इनको एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, दो ही बन सकते हैं, गजेंद्र सिंह भी चांस स्टैंड करते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद राज्यवर्धन ज़्यादा चांस स्टैंड करते हैं। तो राजस्थान में जो वैक्यूम होगा अगले 5 साल बाद के लिए, 2023 के लिए इन वे, तो बीजेपी का चेहरा वसुंधरा राजे के बाद कौन है इन वे, तो उसमें फिर ये बात चलती है कि ये चेहरा गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस उनके हैं, जैसे ज़्यादा चांसेस यूनियन कैबिनेट में जाने के राज्यवर्धन के हैं, ऐसे ही राजस्थान में बीजेपी चीफ का एडिशनल चार रहने के ज़्यादा चांसेस गजेंद्र सिंह के हैं, क्योंकि आलाकमान को बनाना चाहता था, मैडम के असहमति कारण वो पूरा नहीं हो सका, तो अमित शाह भी जो फैसला लेते हैं उसको लागू करके रहते हैं वो, ये उनकी एक खास मतलब कार्यप्रणाली है इन्हें भी उनका तरीका काम करने का। तीसरे चरण में जो कांग्रेस ने सीटें डिक्लेयर की, खासतौर 6 सीटें, वो बहुत ही कमज़ोर मानी गई, अजमेर, चित्तौड़, राजसमंद, और इसके अलावा झालावाड़ में भी जो टिकट दिया गया वो भी कमज़ोर कहा गया, तो क्या लगता है वॉकओवर दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, या बिल्कुल एक्सरसाइज किए बगैर टिकट दिए गए? ये तो ऐसा है ना, कांग्रेस में ना शत्रप हैं जिसे कहते हैं रीजनल चीफ मिनिस्टर्स, अब भंवर जितेंद्र अलवर के रीजनल चीफ मिनिस्टर हैं, सीपी जोशी कहते हैं भीलवाड़ा का हूँ, साथ में चित्तौड़ भी जोड़ लेते हैं,
कोई तीसरा व्यक्ति कहता है साहब मैं उदयपुर का हूँ तो एक सीट मेरे कहने से दी जाए। सचिन पायलट कहते हैं अजमेर मेरा इलाका है, कहते नहीं पर आलाकमान ऐसा मानता है, तो अजमेर की सीट ज़रा मेरे कहने से हो जाए, जयपुर रूरल में मेरा चल जाए। तो ये जो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना कांग्रेस में, ये यूनिटी ऑफ कमांड को डिस्टर्ब करता है। जो बीजेपी में यूनिटी ऑफ कमांड है वो कांग्रेस में कमांड नहीं है। अब आप देखिए अजमेर में टिकट दिया जिस दिन उसी दिन लोगों का अनुमान था कि हारेगा, लेकिन दिया। फिर भीलवाड़ा में दिया, सबको पता था कि हारने वाला इतने बड़े वोटों से, फिर भी लोगों ने दिया। फिर चित्तौड़ में ऐसा किया, राजसमंद में ऐसा किया, झालावाड़ में हुआ। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि पार्टी को डैमेज करने के लिए किसी एक शक्ति ने इन जगह पे कमज़ोर कैंडिडेट खड़े किए या भाजपा के लोगों के मिल के कुछ ऐसा किया, ये तो मैं ऐसा नहीं मानता। इवन झालावाड़ में भी मैं ऐसा नहीं मानता कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत या पायलट की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन बस ये हुआ और ये पार्टी का जो अंदरूनी जो गुटबाजी को या गुटबाजी नहीं कहें अपने एक जो फैक्शंस हैं पार्टी के ग्रुप्स हैं उनका जो इंटरनल एडजस्टमेंट उसी कारण से हुआ। लेकिन ये बात सच है कि कंपैरेटिवली ये उम्मीदवार कमज़ोर थे। यह बात दूसरी है कि मजबूत होते तो भी हारते, आज तो सभी हारे। जिस तरह अमित शाह एक एक सीट पर बहुत ही माइन्यूटली काम करते हैं, क्या राहुल गांधी को पता नहीं चला कि ये कमज़ोर कैंडिडेट है? सर्वे वगैरह कई चीज़ें हो रही थी। राहुल गांधी भी एक क्या होता है, अपने लोगों के सामने हर घर वाला लाचार होता है। राहुल गांधी की सीमा है, जब किस कैंडिडेट के लिए अविनाश पांडे मोहर लगाएंगे, सचिन पायलट मोहर लगाएंगे, गहलोत साहब देखेंगे कि भाई ठीक है दो सीनियर लीडर कह रहे हैं तो उनके एक स्वभाव है विनम्रता सादगी और उस तरह का लो प्रोफाइल, उन्होंने कहा ठीक है भाई देख लो आप इसको जो है। जब सब लोग इकट्ठे होकर राहुल गांधी के सामने जाते हैं तो ये समझते हैं ना कि सर्वसम्मति लेके मेरे पास आए हैं, और ठप्पा लग जाता है उनका भी, तो होता है, इट हैपेंस। सर इस चुनाव परिणाम के बाद खासकर राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, उसके बाद यहां की कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स में किसी बदलाव की गुंजाइश है? और साथ साथ क्या सीएम गहलोत को अपने पद को लेकर कोई खतरा? और अगर हम राजस्थान से थोड़ा बाहर निकले अन्य प्रदेशों पर फोकस करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों राज्यों के सीएम और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, क्या इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना होगा? दो अलग अलग सवाल हैं। एक तो पायलट का राजनीतिक भविष्य और पीसीसी में क्या कोई नया चेहरा आएगा, दूसरा है कि इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेके क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। इन ए वे तो पहला सवाल ये है कि क्या कोई नया चेहरा पीसीसी में आएगा। आम धारणाएं थी और सचिन पायलट खुद ऐसा महसूस करते थे कि चुनाव के बाद में पीसीसी अपन छोड़ेंगे। फिर अब ये नई बात सामने आई, उन्होंने दो दिन पहले कहा कि भाई पंचायत का चुनाव कुछ इस तरह की बात आई है तो शायद पंचायत के चुनाव तक रुक जाएँ, और अब बिल्कुल हालात बदल गए हैं, कुछ सामने समझ में नहीं आ रहा किसी के कहाँ जाएं क्या करें, और पार्टी नया चीफ लाके अभी क्या करेगी कोई एजेंडा नहीं। अगले 5 साल को चुनाव नहीं है, न लोकसभा चुनाव है, यहाँ के चुनाव हैं। पहले बात चली थी यहाँ पे जाति समीकरण के हिसाब से कि ब्राह्मण या जाट को पायलट की जगह लाया जाए, पायलट को दिल्ली में या जयपुर में कोई दिया जाए जिम्मेदारी, और या फिर जो डिप्टी सी एम है इनका चार्ज और बढ़ाया जाए, दो चार डिपार्टमेंट और जोड़ दिए जाएँ, इनको एम्पावर कर दिया जाए, ये सब बातें चली थी। लेकिन आज ये सवाल है ना बिल्कुल पीछे चला गया, बहुत पीछे गौण चला गया है। अभी शाम को गहलोत साहब और सचिन पायलट दोनों दिल्ली साथ साथ गए हैं। इन वे संकट के समय क्या होता है, दोस्ती और गहरी होती है, इन वे मतभेद छोटे मोटे होते हैं तो वो भी ख़त्म होते हैं। तो अगले कुछ दिनों में मुझे नहीं लगता कि पायलट को हटाने की भी कोई मांग करे और या खुद आगे बढ़ के वो करें, हालांकि नैतिक जिम्मेदारी कई बार कहती है, हो सकता है पायलट आगे बढ़ के एक बार इस्तीफा ऑफर करें, उम्मीद तो नहीं है स्वीकार होगा, लेकिन स्वीकार हो जाए तो हो जाए, क्योंकि एक नई बात इसी को आगे बढ़ाते हो। आज मुझे किसी ने कहा कि पायलट के लिए किसी ने आलाकमान से कहा कि साहब वो कहते थे कि गहलोत साहब के टाइम में सीटें गिरती थी, लेकिन देखिए 2014 में सचिन पायलट थे पीसीसी, 2019 चीफ हैं, पहले 25 सीटें हारी, आज भी 25 सीट आप हार गए। इन्हें वे जो है तो मुझे इमीडिएटली पीसीसी में कोई बदलाव या पायलट की भूमिका में कोई बदलाव फिलहाल दिखाई नहीं देता है। पूछ रहे थे आप बीच में। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि गहलोत को क्या किसी तरीके का खतरा है, और हम राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों पर भी फोकस कर रहे थे जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात भी है। ये एक नीतिगत, इसकी भी जो मुख्य बात है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का, तो देखिए जो देश ही हार गया, इन्हें वे कांग्रेस ही हार गई, 350 सीटें दूसरी पार्टी ले गई, तो नैतिक जिम्मेदारी आप किस किस की तय करेंगे? इन्हें वे राहुल गांधी हार गए अमेठी से, सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी राहुल गांधी का इस्तीफा देने की, अगर आप इस्तीफे इन लोगों से इस आधार पर लेते हैं तो। आज मैंने सुना भी था एक सूत्र के हवाले से, खबर आई थी पहले कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को इस्तीफा ऑफर किया है, बाद में सुरजेवाला ने कहा नहीं ये केवल अफवाह है। लेकिन मुझे लगता है जो राहुल गांधी को जितना मैं जानता हूँ जरूर उसने इस्तीफा ऑफर किया होगा, प्रिंसिपल के आदमी हैं।
दूसरा आदमी इसी लाइन के चलने वाला अशोक गहलोत है। तो मैं मान सकता हूँ आज, चाहे कोई सूचना नहीं इस बात की, कि गहलोत साहब ने ज़रूर ऑफ़र किया हुआ इस्तीफ़ा, और हो सकता है ऑफ़र नहीं का तो ऑफ़र करें, ये एक अलग बात। हालांकि आज ये भी चर्चा सुनने में आई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा ऑफ़र किया अहमद पटेल को, सुनती उड़ती बात आई थी। तो उन्होंने कहा आप इस्तीफ़ा कैसे दे सकते हैं, आप अकेले नहीं हारने वाले, कमलनाथ इस्तीफ़ा दे रहा है क्या, छत्तीसगढ़ इस्तीफ़ा दे रहा है क्या, गुजरात में पीसीसी चीफ इस्तीफ़ा दे रहा है क्या, वहाँ कर्नाटक वाला इस्तीफ़ा दे रहा है क्या, ये क्या बात है, नाराज़गी जाहिर की उन्होंने, ऐसा सुनने में बात आई है मेरी। लेकिन मेरा मानना ये है, औरों का मुझे पता नहीं है, ये जो राहुल गांधी और अशोक गहलोत हैं ये इस्तीफ़ा ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ये पक्का मानिए ये स्वीकार नहीं होंगे। कोई लॉजिक नहीं है ना उसके पीछे। आप सारी कांग्रेस के इस्तीफे लेके कहाँ जाएंगे, अगर कोई एक व्यक्ति हारता आइसोलेशन में, आप इस्तीफे लेके जाते उसका समझ में मतलब आता। तो बस इसी तरह का, कांग्रेस में ऐसा कोई मांग करने वाला आज ग्रुप या कोई ऐसा है नहीं, और कहाँ कहाँ मांग करेंगे। सरकारों का आज थ्रेट कांग्रेस को ये इस्तीफा देने से जो क्राइसिस उसकी नहीं है, आज थ्रेट है सरकारों के सर्वाइवल की, जो आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। इन वे तो मुझे कुल मिला के ऐसा नहीं लगता है कि ये तीन मुख्यमंत्री, गुजरात का पीसीसी चीफ और आपका कर्नाटक का मुख्यमंत्री, नैतिक जिम्मेदारी ऐसे ज़बरदस्ती ओढ़ते हुए इस्तीफा दे के क्राइसिस क्रिएट करें, 10 दिन बाद फिर सोनिया गांधी इस्तीफा रिजेक्ट करें, फिर एक माहौल बने मीडिया में। मुझे नहीं लगता, कांग्रेस इज़ टू मैच्योर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वसुंधरा राजे फैक्टर, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये फैक्टर कितना कारगर रहा, क्या साइडलाइन उन्हें किया गया इस बार पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान? घोर विरोधी हनुमान बेनीवाल को टिकट दिया, उनके साथ गठबंधन किया, और कई ऐसी सीटें भी रही जहाँ वसुंधरा राजे प्रचार में नहीं गई। तो क्या लगता है अब भविष्य क्या रहेगा, किस भूमिका में वो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में नजर आएंगे? देखिए, वसुंधरा राजे अपने आप में एक फिनोमिना है, मैडम वसुंधरा राजे, ठीक है। चुनाव के अलावा उनके पास बहुत से काम हैं करने को, 5 साल कोई काम भी उनके पास नहीं होगा ना, तो लंदन घूमेंगी, अपने पसंद के पार्लर जाएंगी, अच्छी फिल्म देखने जाएंगी, अच्छी किताबें पढ़ेंगी, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, थोड़ा फिटनेस एजेंडा को और अच्छा कर लेंगी। उनके जीवन में क्या है कि विविधताएँ बहुत हैं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत हैं उनकी लाइफ के अंदर। तो रही बात उनकी कि उनके अगले 5 साल कैसे बीतेंगे, ये कोई खास ऐसा विषय नहीं। और वैसे भी क्या है, MP तो लड़ी नहीं वो, उन्होंने कहा था कि मेनका गांधी के पैटर्न पे मुझे आप 2 सीट दीजिए, एक दुष्यंत को, एक मेरे कहीं और से। आलाकमान ने नहीं माना, कोई बात नहीं, दुष्यंत जीत गया। अभी तो इसी मगन है वो कि उनके पुत्र, उनकी विरासत, वो जीत गए वहाँ पे, और उनकी बात रही। आओ चाहे पुलवामा फैक्ट्री आओ, चाहे वसुंधरा राजे फैक्ट्री आओ, लेकिन वो जीते वहाँ पे जो है, इससे हैं। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए कि वसुंधरा राजे दिल्ली की लीडर नहीं है, वो स्टेट की लीडर हैं, राजस्थान की लीडर हैं। उनकी अंगड़ाई लेने का वक्त आएगा 2022 में, जब चुनाव की घोषणा होगी। उस दिन वसुंधरा राजे कहाँ हैं और सामने गहलोत साहब हैं कि सामने कौन व्यक्ति है उस दिन, वो उस दिन तय होगा वहाँ जा करके जो है। आज उसको कोई चिंता नहीं है इन सब बातों की। सेकंड सवाल रही आज उसके क्या माहौल है और अगले कुछ दिनों में उसकी क्या स्थितियाँ हैं। तो वसुंधरा राजे क्या एक मास लीडर हैं, मास लीडर चुनावों के साथ मरते नहीं हैं, मास लीडर जिंदा रहते हैं। आज चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हों, दूसरे व्यक्ति हों, जो भी XYZ हों, तो क्या है वो मास लीडर नहीं बन पाए अभी, वो लीडर हैं अभी, उनको मास लीडर बनने में वक्त लगेगा अभी। तो अभी क्या हुआ कि दिल्ली में एक चर्चा हो रही थी प्रकाश जावड़ेकर से, प्रकाश जावड़ेकर मैं बता दूं आजकल पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, आप जानते हैं जाए। तो एक बड़े RSS के लीडर ने उनसे कहा कि भाई अब तो वसुंधरा राजे साइडलाइन हो गई हैं, अब सारा आपने दूसरी लीडरशिप डेवलप करनी है। तो उन्होंने जवाब दिया प्रकाश जावड़ेकर को कि मास लीडर है, मास लीडर कभी ख़त्म नहीं होते इन्हें वे। और तीसरी बात आपने कहा कि चुनाव में उनको साइडलाइन किया गया, ये सही है, चुनाव में साइडलाइन किया गया उनको। पार्टी ने एक वेल थॉट डिसीजन अपना लिया कि उनको नई राजपूत लीडरशिप राजस्थान में डेवलप करनी है, ठीक है, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हों या राजपूत लीडरशिप का एक नया अवतार दिया कुमारी हूँ। इन्हें वे ये वक्त बताएगा कि किसको प्रेफर करते हैं, किसी और तीसरे को प्रेफर करते हैं। तो उनके उस प्लान के तहत, उनका कोई एंटी वसुंधरा राजे का कोई एजेंडा नहीं है, उस प्लान के तहत वो समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ पार्टी नया नेतृत्व डेवलप करती है। तो इस चुनाव में इसलिए उनकी कम चली कंपेरेटिव, लेकिन फिर भी क्या है, चलती है। आपके सामने झालावाड़ का टिकट मिला उनके लड़के को, फिर दौसा का टिकट जो है वो अड़गिन किरोड़ी को नहीं देना तो नहीं मिला, आप देखिए। फिर करौली में कौन है, मनोज गया, उनके टिकट पर अड़ गई तो उसको टिकट हुआ।
तो पार्टी भी क्या है कि फूंक फूंक के कदम रख रही है वसुंधरा राजे के मामले में, और हमेशा याद रखना चाहिए, बीजेपी याद रखती है इस बात को कि वो वसुंधरा विजय राय सिंधिया की बेटी हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया था, एक लिहाज रहता है उसमें रहता है, इसलिए वसुंधरा राजे फैक्टर को टोटली इलेमिनेट आप विद इन बीजेपी नहीं कर सकते, कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस ने हरा दिया ना उनको और फिर खड़ी होंगी 5 साल में, और कांग्रेस फिर अगर ताकत में होगी कांग्रेस फिर हरा देगी उनको, वो एक अलग इशू है। तो वसुंधरा राजे कुल मिला के क्या है, एक फिनोमिना है, वो साइडलाइन होती रहेंगी, एम्पावर होती रहेंगी, ठीक है, लेकिन उनको इलेमिनेट आप नहीं कर सकते राजस्थान की राजनीति से एट द एंड ऑफ द डे। सर, राज्यवर्धन राठौर की जीत को आप कैसे देखते हैं? राज्यवर्धन राठौर की जीत दो तरह से है, एक तो मोदी फैक्टर है और दूसरा उनका खुद का भी है ना, मेटिकुलस उनका काम है, उनका प्लान है, उनका सिस्टम है, उनका मॉनिटरिंग है, हर गांव तक उनकी पहुंच है, हर गांव में उन्होंने काम किया है, तो इट्स ए कम्बाइन ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड मोदीज पॉपुलरिटी, टोटलिटी में अगर मैं इसको देखता हूं तो अच्छा भविष्य है उनका, यंग है, अभी बहुत आगे जाना है, और सबसे खास बात क्या है कि वो भी दोनों के प्रिय हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के क्लोज हैं, पीएमओ उनके बहुत अच्छे लिंक्स हैं, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी पॉपुलर हैं दिल्ली में, उनकी जो फंक्शनल गवर्नेंस है वो सिस्टम उनका अच्छा है, तो अच्छा भविष्य है उनका, और उनकी जो विक्ट्री है ये जो मैंने आपसे कहा, इट्स ए कॉकटेल ऑफ मोदीज पॉपुलरिटी प्लस हिज ओन हार्ड वर्क एंड हिज ओन परफॉर्मेंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे, और क्या नरेंद्र मोदी का प्रभाव आरएसएस पर बढ़ जाएगा? देखिए, आज तो पूरा देश, देश का मतलब भाजपा और आरएसएस वाला देश, और नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, उपकृत है, एहसान की मुद्रा में है कि आपके कारण से हमने वो दिन देखा कि 300 से ज़्यादा सीटें अकेली भगवा पार्टी लेके आई। नरेंद्र मोदी उनकी तासीर को समझते हैं, और फिर एक बात और है, नरेंद्र मोदी किसके लिए कर रहे हैं सब ये, आरएसएस उसी का पार्ट है, आरएसएस उससे अलग नहीं हो सकता, तो नरेंद्र मोदी के परिश्रम का फल आरएसएस को मिल रहा है इन ए वे। और गुजरात में जब आपने देखा था नरेंद्र मोदी थे तो नरेंद्र मोदी थे, आरएसएस डिक्टेट नहीं करता था उनको, आगे आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का रुतबा और कद आरएसएस में और बढ़ेगा, मोहन भागवत के साथ उनका जो वेवलेंथ है और अच्छा होगा इन ए वे। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्योंकि स्वयं से रहे हैं, लोग उनको कर्मयोगी भी कहते हैं, अभी 19 मई को वह जब मतदान था अंतिम चरण का तो केदारनाथ और बद्रीनाथ भी चले गए, तो इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लोगों ने अब उनको महासंत मुनि संत ऐसे कहना शुरू किया। देखिए, नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, बात यह है वो इस संसार की सारी विधाओं को जी लेना चाहते हैं, और आश्चर्य मत करना अगले दिनों में फिल्म किसी में नायक बन के आए तो आश्चर्य मत करना, सीरियसली, और फिल्म हिट होगी, और वो ऐसी एक्टिंग नहीं करेंगे नकली, वो अपने ओरिजिनल रोल में होंगे, और जो फिल्म चुनाव आयोग ने रोक दी थी अब वो चली गई और फिल्म सुपर हिट होगी। नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कंट्री के अंदर कि संसार में शायद कभी किसी नेता की हुई होगी इन ए वे जो है। तो नरेंद्र मोदी तो अपने आप में एक फिनोमिना है जिसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी का मन करता है, मैंने कहा ना विदा के पृथ्वी के सारे रोल को जिए, वो एक सन्यासी का रोल भी जीते हैं कभी कभी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो एक आरएसएस से ट्रेन किए हुए बीजेपी के वर्कर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और साधारण परिवार से हैं, गुजरात में भी देखिए वो 12x10 के कमरे में रहते थे वहाँ पे, ऑल सेड एंड डन जो है, तो वो क्या है कि एक रूटीन आरएसएस वर्कर भी बनते हैं, कभी तो उनका मन करता है चलो बद्रीनाथ चलो आज चलो वहाँ गुफा में चले गए, एक मन की जिज्ञासा होती है, तो उनकी यात्रा इतनी हिट हुई कि उस दिन आखिरी चुनाव था 19 का, तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो हिंदू मतदाताओं प्रभावित कर रहे हैं, आज बंगाल में मतदान है, ये भगवान शिव को मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं, उनका अपना रोल है चुनाव है को, उन्होंने कहा भी मैं थैंक यू आपने मेरे को 2 दिन का वैकेशन दिया। कुल मिला के उनके नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी बद्रीनाथ और केदारनाथ की, वो उनके हिसाब से उनकी हिट रही, और एक अखबार में शायद मैंने पढ़ा उसने लिखा कि नरेंद्र एक नए संत का अभ्युदय देश के अंदर, जिसने पूरे देश का आज दिल जीत लिया 350 सीटें एनडीए को दिला के। सर, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ये चुनाव एक तरीके से राष्ट्रवाद और धार्मिक भावनाओं को लेकर ही लड़ा गया, क्योंकि अमित शाह ने इस बात के लिए कहा कि ये जो जंग चल रही है, ये जो चुनाव हो रहा है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई जैसा है, और टाइम्स मैगजीन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डिवाइडर इन चीफ तक लिख दिया गया। ये देखिए, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल है, जो पानीपत की लड़ाई अमित शाह के मुँह से निकला था एक संदर्भ में निकला था इन ए वे जो है, और इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम तो काफ़ी फैक्टर रहा ही है, और जहाँ तक रही बात इसकी दूसरा जो आप कह रहे थे पानीपत फैक्ट्री के अलावा एक और आपने कहा ना सर, टाइम्स मैगजीन वाला, टाइम्स मैगजीन वाला, उसका स्पष्टीकरण यह आया है कि जो लिखा है जिसने वो एक
मुस्लिम ऑथर हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, तो उनके मन में थोड़ा बायस हो सकता है, लिखा है उन्होंने। अब देखिए, ये तो इस बात को ये लोग इनकार नहीं करते कि हम मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी को जिसे कहते हैं अपीज नहीं करेंगे, उनका कहना ये है। और मुस्लिम से कहना ये है कि आप उन कंट्री को डिवाइड करते हैं, कांग्रेस से कहना कंट्री डिवाइड करते हैं। तो जो माहौल है एंटी नरेंद्र मोदी कैंप का पूरे देश में और देश के बाहर इन ए वे, उसी की ये एक छाया है ये मैगजीन का जो आया है। हर आदमी को अधिकार है लिखने का, लिखा उन्होंने, पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, वो तो ही गेंस फ्रॉम ऑल सच थिंग्स इन ए वे, तो आया और चला गया। सर, एग्जिट पोल आने के बाद बहुत बवाल मचा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी से स्वीकार नहीं कर रही थी और इसी के आधार पे वो ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर रही थी। इस बीच अगर हमारी बात करें, यानी फर्स्ट इंडिया और फर्स्ट न्यूज एक्सप्रेस जो हमारा अखबार है उसकी अगर हम बात करें, तो उसके जरिए आपने पहले ही व्यूअर्स को कह दिया था, हमारे व्यूअर्स को बता दिया था कि 300 से ज्यादा सीटें आने वाली है, तो इसके पीछे आपके पास तब के वक्त में क्या आधार था? एग्जिट पोल की जब आप बात करते हैं तो एग्जिट पोल हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार वो सही निकले। इससे पहले 2015 में पिटे थे बिहार को लेके, 18 दिसंबर में पिटे थे एमपी को लेके, बिल्कुल छत्तीसगढ़ लेके पिटे थे, ठीक है गुजरात को लेके पिटे थे, इस बार वो सही निकले लगभग। और इस बार जो सही निकले तो सबसे ज़्यादा सही निकला चाणक्य टुडे वी के बजाज, 2014 में भी सही निकला था, उसने कहा था 340 आएंगे, 336 आएंगे, आज उसने कहा 350 टोटल मिला के, तो 350 के आसपास आ गई सीटें जो है। तो ये जो दौड़ थी इस बार एग्जिट पोल्स की, इसमें पहला पुरस्कार गया चाणक्य टुडे को इन ए वे, और दूसरा पुरस्कार अगर आप कहें, जो खुद तो पुरस्कार नहीं मांगे जा सकते, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने ज़रूर कहा था देश के हालात देख करके कि नरेंद्र मोदी या हमेशा या तो 170 पे सिमटेंगे अगर चुनाव मुद्दों पे, ग्राउंड रियलिटीज़ पे हुआ, और अगर चुनाव सेंटिमेंट पे हुआ तो 303 पे जाएंगे। और ये भी कहा था कि अगर 300 की तरफ ये बढ़ने लगें, मैंने एडिटर से कहा था कि अगर 300 की तरफ बढ़ने लगें, 280 85 288 पे आ जाएं, तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ, दिखता है ना सामने इन ए वे, तो सही निकला। वो आकलन की बात है, हम कोई वैसा नहीं करते सर्वे इन ए वे जो है, तो उनका सर्वे वहाँ सही निकला, ये सर्वे यहाँ निकला। और एग्जिट पोल के साथ साथ क्या होता है, हेडलाइन लगाते हैं लोग, पंचलाइन लगाते हैं मीडिया में। कल फर्स्ट प्राइज गया इंडिया टुडे को, आज तक को उसने पंचलाइन लगाई इसके बीच में कि आएगा तो मोदी ही, सुपरहिट पंचलाइन पूरे मीडिया में। सेकेंड पंचलाइन ये आई 300 के आसपास वाली कि 300 और गिनते जाओ। अविनाश पांडे, जिन्होंने एक रणनीतिकार के रूप में काफ़ी सारी यहाँ पर एक्सरसाइज की और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी, लेकिन वो इस चुनाव में कोई खास काम कारगर साबित नहीं हुई। वह दूसरी तरफ प्रकाश जावड़ेकर थे जिनकी रणनीति यहाँ पर साबित हुई, कैसे देखते हैं दोनों को, कंपेयर कैसे करते हैं? इसमें श्वेता दो अलग अलग विषय हैं इसमें महेश जी ने उठाया जो है। एक तो अविनाश पांडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, पायलट और गहलोत के बीच उन्होंने पुल का काम किया, ट्रेनिंग उन्होंने काफ़ी कराई लोगों की, संगठन को मजबूत किया, यहाँ पे छाया की तरह साथ रहे, उनके और गहलोत साहब में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रही, सब कुछ रहा। लेकिन अब चुनाव परिणाम तो डिफरेंट है इन ए वे, तो आप फेस वैल्यू पे कह सकते हैं कि उनका भी लीडरशिप फेलियर रहा, लेकिन था नहीं वो इन ए वे, हर कोई हार गया, तो अविनाश पांडे को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। रही बात आपकी प्रकाश जावड़ेकर की, वो एक तो जीते हैं, और जीतने के साथ साथ जो आदमी जीतता है तो उसकी उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है, उनका यशोगान होता है, महिमा मंडन होता है, तो उनकी दो बड़ी सफलताएं रहीं यहाँ पे। एक तो क्या हनुमान बेनीवाल को वो मैनेज करके लाए, दूसरा प्रकाश जावड़ेकर ने जो है दो गुर्जर और मीणा नेताओं को दौसा में एक मंच पे इकट्ठा किया जो है, किरोड़ी बैंसला और किरोड़ी मीणा को अमित शाह ने इसकी तारीफ की। तो परफॉर्मेंस दोनों की अपने अपने इलाके में अच्छी थी, पर चूँकि सक्सेस बीजेपी को मिली है तो आज प्रकाश जावड़ेकर इज अ गेनर इन ए वे। सर, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे जो नकुलनाथ हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखेंगे? उनकी परफॉर्मेंस, वो आगे चल रहे थे, जीत गए बाय नाउ, क्या स्थिति है, जीत गए, जीत गए बाय नाउ। तो ये कमलनाथ का मतलब चमत्कार है इन ए वे, चार राज्यों में 140 में से चार लोग कांग्रेस की जीते हैं, उसमें एक कमलनाथ के पुत्र हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी को 40 साल से कमलनाथ ने इस तरह सींचा है कि शायद वो कभी चुनाव हारे ही नहीं वहाँ से। कांग्रेस और विपक्षी दलों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा इस चुनाव में 2019 में, अब विपक्ष का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, राजनीतिक भविष्य तो विपक्ष का हुई है, स्कैटर्ड, असंगठित,
अपनी ढपली अपना राग थोड़े दिनों में, ये जो एकता बनी थी ये चुनाव के लिए थी, ये गठबंधन है चुनाव के लिए है, आगे 5 साल को चुनाव है नहीं, राज्यों में कुछ चुनाव होने हैं विधानसभाओं के, महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट स्टेट है, एक दो स्टेट और चुनाव होने हैं, उनमें थोड़ा बहुत होगा, तो अपने अपने रोल में लौट जाएंगे सब, अपने अपने कामों में, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में लौट जाएंगे सारे, कहने को अलायंसेज रहेंगे, मायावती अपना काम संभालेंगे, अखिलेश यादव अपना करेंगे, शरद पवार अपना काम संभालेंगे, दूसरे लोग अपना काम संभालेंगे, तो इन्हें वे स्कैटर्ड हो जाएंगे, जिस रूप में मिलन से पहले थे जो, उसी रूप में वापस लौट जाएंगे। कोई बड़ा आंदोलन वो कर पाए मोदी सरकार के खिलाफ, ऐसा कोई मुद्दा आए तो अभी है नहीं, कम से कम 6 महीने साल भर बाद को ऐसा मुद्दा आए उनके सामने अचानक, अपने अपने रास्ते, अपने अपने रास्ते इन्हें वे जो है। तो चलिए जगदीश जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी समीक्षा के लिए, आज इससे परिणाम यहाँ पर आया, और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।